वैसे तो टिपिकल इंडियन मेकअप लुक मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बट टू वेयर इट एवरी डे इज अ बिट हैवी। एनीवेज आप सबको मैं दिखाती हूँ हाउ इजी इट इज टू अचीव दैट लुक। और जैसे कि आप देख सकते हैं आई हैव द टिपिकल नॉर्थ ईस्टर्न लुक, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। सो आप भी देखिएगा ये मेकअप मेरे फेस में कैसा दिखता है। सो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आएगा मॉइस्चराइजर। अपना स्किन को मॉइस्चराइज और प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस राइस लोशन। ये है के ब्यूटी का है ये लोशन। सो इससे मैं अपने स्किन को अच्छे तरह से मॉइस्चराइज करूँगी। नेक्स्ट इज प्राइमर। तो आप जब भी हैवी मेकअप लगाने वाले हो या फिर मेकअप एज ए फाउंडेशन या फिर कुछ भी, तो आपका प्राइमर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप प्राइमर लगाएंगे प्लीज़ डोंट टेक टू मच अमाउंट, मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि प्राइमर आप ज़्यादा लेंगे एंड ज़्यादा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका प्राइमर बस वेस्ट हो जाएगा एंड यू डोंट वॉन्ट योर मेकअप टू वेस्ट। एक इतना ज़्यादा जेनरस अमाउंट मत लीजिएगा प्राइमर, थोड़ा सा में ही उसका अच्छा होने, तो आपका जो फाउंडेशन है ना उसका पूरा, मतलब वो पूरा निकलने लग जाएगा और एक क्रैक टाइप का बनने स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसको दिन भर मेकअप को वेयर करोगे। सो डोंट गो फॉर दैट मच ऑफ प्राइमर। थोड़ा सा प्राइमर इज इनफ फॉर योर होल फेस, और स्पेशली आप टी जोन में तो ज़रूर अप्लाई करना अपने प्राइमर को, इस तरह से आप अपने पोर्स को लॉक कर पाओगे। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर फाउंडेशन, दैट इज दिस फाउंडेशन इज फ्रॉम चामसी। तो अपने जितने भी दाग धब्बे हैं उससे पूरे तरह से कवर कर लेते हैं। सॉरी गाइज आई एम यूजिंग दिस मिरर, वो भी टूट गया एक्चुअली। मेरा ये पैलेट का मिरर है, मेरा जो छोटा वाला मिरर है आई डोंट नो वेयर आई केप्ट एक्चुअली, उसे मैं बैग में लेके घूम रही थी उसी दिन, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहाँ रख दिया है। सो आई नो दिस इज टू बिग बट एटलीस्ट इट इज हेल्पिंग मी। सो एक फैक्ट बताना चाहूँगी, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मुझे अपना एग्जैक्ट स्किन का शेड का फाउंडेशन मिला है। एंड इफ यू कैन सी तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि मैंने फाउंडेशन लगाया कि नहीं लगाया, मतलब अच्छी तरह से मेरे स्किन कलर के साथ ब्लेंड हो गया है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस कंसीलर। तो कंसीलर मैं बहुत लाइट शेड का यूज करने वाली हूँ, टू यू नो टू मेक द आईज पॉप एंड गिव अ डिफाइंड शेप टू योर फेस। कंसीलर को ब्लेंड करने वाली हूँ अच्छी तरह से स्किन के अंदर। तो फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप मैं अब यूज करने वाली हूँ सेटिंग स्प्रे। अब लास्ट में मैं फिर से यूज करूंगी, बट टू जस्ट सेट माय कंसीलर एंड फाउंडेशन अभी मैं सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करूंगी। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज ब्रॉन्जर अपने चीक्स को एक चिजल्ड लुक देने के लिए। सो ब्रोज के लिए मैं हमेशा पेंसिल प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं मेरे लिए ब्रोज ड्रॉ करने के लिए। So before I go any further, let me apply the powder first. So powder को मैं रख देती हूँ थोड़ा देर। So for eye makeup मैं use करने वाली हूँ ये makeup by Revolution का eye palette. तो उसमें मैं use करने वाली हूँ shade Shucks. First मैं जाऊँगी for the shade Shucks. Sounds a bit weird. अच्छी तरह से अपने यू नो आई लिड्स में अप्लाई कर लूंगी। तो अब मैं दूसरा एक एंगल ब्रश लेके आई विल गो विद द शेड नाइट क्लब। तो ये थोड़ा सा शाइनी है तो मुझे थोड़ा सा एक शाइनी वाला लुक चाहिए था, तो आई जस्ट गो एंड अप्लाई इट ऑन द टॉप, जैसा जिसको मैंने लगाया था फर्स्ट लेयर उसी के ऊपर मैं लगा देती हूँ। वाओ दिस शेड इज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा शेड है ये। After applying eyeshadow, उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी जेल आईलाइनर।
आपको एक विंग लुक चाहिए, सो आप जेल आई लाइनर से वो विंग लुक लाएंगे। सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ मस्कारा टू फिनिश माई आई लुक। लैशेस लग गया है तो क्विकली मैं पाउडर को थोड़ा जो फेस में था उसे रिमूव कर लेती हूँ। सो फॉर लास्ट टचअप आई विल टेक अगेन इन द शेड वैलेंटाइन एंड उसे मैं अपने ब्रो बोन के नीचे यूज करूंगी, यू नो, टू गिव इट दैट फिनिश्ड लुक। फॉर फाइनल टचअप के लिए मैं यूज करने वाली हूँ हाइलाइटर, सो आई विल टेक इन द शेड गोल्डन एंड अप्लाई इट ऑन माय नोज एंड द चीक बोन। लास्ट इज लिपस्टिक, सो आई एम यूजिंग दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम फेसेस कनाडा, सो अ बिट डार्क लिप्स इज ऑलवेज बेटर। सो आप जैसे देख सकते हैं मेरा लिप्स सुपर डुपर रेड लग रहा है, सो उससे मैं थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज करने वाली हूँ ये न्यूज कलर लिपस्टिक फ्रॉम लैक्मे। सो गाइज दिस इज माई कम्प्लीट लुक, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो ये लुक। सो आप भी बहुत ईजिली ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे स्टेप बाय स्टेप को ही फॉलो करें, आप खुद के स्टेप्स भी डाल सकते हैं उसमें। सो इट इज़ सुपर डुपर ईजी टू गेट दिस लुक, सो आई होप यू ट्राई दिस लुक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाई।